Hello everybody, today we will discuss about the line spectrum of hydrogen atom. ये topic जो है इसमें हम पढ़ेंगे line जो है spectrum की hydrogen atom में कितनी होती है उसमें. The according to Bohr model of atom, ये Bohr जो है already मैं पढ़ा चुका हूँ Bohr model of एटम. अगर किसी को नहीं आता है तो वो मेरी प्रीवियस क्लिप देखे, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है और दो दिन पहले ही डिराइव किया है इक्वेशन को. द एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, फोटॉन की मैंने करती है. व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से जब वो लोअर एनर्जी लेवल पर आता है तो एनर्जी रेडिएट करता है. एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूँ, जैसे ये हैं आपके लेवल्स. हाइड्रोजन एटम ऊपर से जम करके नीचे पे आएगा तो उसमें एटम में आपके जो फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल से नीचे आएंगे तो उसमें एनर्जी वो रेडिएट करेगा हायर एनर्जी से. मगर अगर रिवर्स हो जाए, जैसे कि रिवर्स मतलब ये कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं और जंप करते हैं ऊपर, तो उस कंडीशन पे रेडिएट नहीं करेगा, ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है, रिटर्न फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द लो एनर्जी लेवल स्टेट. इन अदर वर्ड्स द एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम हाई एनर्जी. हाई एनर्जी जहाँ मैंने बताया आपको हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे आने जा रहा है तब, और इसे इनिशियल एन आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एन एफ जो है फाइनल, यानी फाइनल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम आया है उसको बोल रहे हैं. तो एन आई जो है ग्रेटर होगा एन एफ से. एन एफ यानी कि लोअर एनर्जी स्टेट, और जो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ रहा है, और एन आई जो है वो हायर एनर्जी स्टेट है. द एनर्जी ऑफ द एमिटेड रेडिएशन और फोटोन इज गिवन बाई एच न्यू इज इक्वल टू एन आई माइनस एन एन ई एन आई माइनस ई एन एफ. तो ई एन एफ जो है हमारा एनर्जी है, ये एनर्जी मैं प्रीवियस क्लिप में कैलकुलेट करी है. इसे ई एन जो है एनर्जी इन एन एथ ऑर्बिट में निकाला है, दैट मीन्स माइनस एम ई रेस्ट ऑफ फोर अपॉन एट एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर एन स्क्वायर. एम जो है मास है, मास ऑफ द एटम. ई इज द इलेक्ट्रॉन चार्ज. एच जो है फ्रैंक कॉन्स्टेंट है. पर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी इलेक्ट्रिक लाइन कितनी पास करेंगी वैक्यूम में उसे बोलते हैं, या फ्री स्पेस में. और एन जो है वो ऑर्बिट है जिसके अंदर एटम रोटेट कर रहा है या मूव कर रहा है. ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें एन एन ई एन आई में और ई एन एफ में. तो हमें जो मिलेगा एच आई इज इक्वल टू, इसमें कॉमन जो आ रहा है हमारा वो आ रहा है हमारा माइनस एम ई स्क्वायर एच एट अपसर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर. ये कॉमन है, माइनस ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो है माइनस फिर द सेम थिंग माइनस एम स्क्वायर ई इक्वल फोर एट अपसन स्क्वायर एन एफ स्क्वायर एच स्क्वायर. तो जो कॉमन है हमने कॉमन कर दिया, और हमारा जो एन आई एन जो आ रहा है वन अपॉन एन एफ स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन आई स्क्वायर करेंगे. तो ये जो वैल्यू है ये दिस वैल्यू, इसे रिडबर्ग कांस्टेंट भी कहा जाता है. और रिडबर्ग कांस्टेंट, अब इसमें हम एक चीज़ और मालूम होती है, न्यू जो हमारा फ्रिक्वेंसी आ रहा है ये आपको मालूम है सी इज इक्वल टू एच, सी इज इक्वल लैम्डा न्यू होता है. तो लैम्डा इज इक्वल मतलब न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा. तो c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ.
तो हम क्या करेंगे, इसमें न्यू की जो वैल्यू है या न्यू की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी c अपॉन लैम्डा। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा इज द वेवलेंथ, और ये जो वैल्यू मैंने बताई थी ये रिटबो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10^7। ये ऑलरेडी मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ये इसे रिटबो कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो रिटबो कांस्टेंट में, तो 1/λ r इज इक्वल टू 1/nf² माइनस 1/ni² तो ये वैल्यू रख देंगे और हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये वैल्यू मिल रही है। तो हमें रिटबो कांस्टेंट से ये वैल्यू 1.7 यानी लैम्डा वेवलेंथ की निकल जाती है। इस तरीके से ये रिटबो फॉर्मूला फॉर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी है, और 1/λ इज न्यू बार विद दिस इज नोन एज द वेव नंबर, इसे वेव नंबर भी कहा जाता है। वेव नंबर आप ये कह सकते हैं, वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट डिस्टेंस में, यूनिट डिस्टेंस में जितनी वेव आएंगी उसे हम वेव नंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर 1 मीटर में जितनी यूनिट में है उसमें जितनी वेव्स आ रही हैं उसे बोलेंगे। तो यही फॉर्मूला जो अगर हम इसमें जो पहले लिया है मैंने 1/λ की जगह न्यू बार रख दिया और ये वैल्यू आ जाएगी, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके जो बाकी हमारा इक्वेशंस हैं, मतलब जो इस सीरीज में निकलती हैं बेलमान पैशन ब्रैकेट, ये अगली क्लिप में देखेंगे, नहीं तो क्लिप और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो काइंडली सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माई चैनल फिजिक्स फॉर यू बाय डॉक्टर राशिद, इससे आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे और आपके दिन पे दिन फिजिक्स इम्प्रूव होती चले जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।